महाराज जी, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है देवी चित्रलेखा जी का, और उन्होंने उसमें बोला है कि नमाज अदा करते वक्त भागवत को विश्राम करना चाहिए और अल्लाह को प्रणाम करना चाहिए, तो उसके विषय में आपका क्या वक्तव्य है? मैं उनके इस संभाषण की बहुत कठोर शब्दों में भर्त्सना करता हूं, क्योंकि वे व्यासपीठ से बोल रही हैं और इस व्यासपीठ ने उन्हें देश विदेश में अच्छी ख्याति प्रदान की है, सनातन धर्म ने, हिंदू धर्म ने। इसलिए उनका कर्तव्य बनता है कि वे उसके लिए प्रहरी बनकर के खड़ी हों। उसके लिए अगर हम अपने धर्म को खुद ही अगर हम कमजोर करेंगे, उन्होंने जिस प्रकार से शब्दों को कहा कि कथा रोक देनी चाहिए, कथा तो एक हमारा अनुष्ठान होता है, कथा में तो ऐसा भी है कि यदि साक्षात ठाकुर जी भी पधारें तो व्यास उनके लिए भी उठ करके खड़ा नहीं होता। और यदि उन्हें इस बात की गरिमा का ख्याल नहीं है कि व्यास की गरिमा क्या है, व्यास गद्दे की गरिमा क्या है और कथा क्या है, तो मैं समझता हूं कि वे इस पद के योग्य भी नहीं है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने बॉम्बे में एक घटना सुनी थी और एक बात सोनू निगम की, और सोनू निगम ने इस बात पर प्रतिरोध किया कि सुबह सुबह जो आजान पढ़ी जाती है उससे हमारी शांति भंग होती है, हम सरगम करते हैं और उसमें हमें दिक्कत होती है। एक वो कोई व्यास नहीं है, कोई धर्माचार्य नहीं है सोनू निगम, फिर भी वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति बड़ी स्वतंत्रता के साथ में कर सकते हैं, तो इन व्यास महोदया के ऊपर ऐसी कौन सी परेशानी थी जिस कारण से उनको ऐसे शब्द कहने पड़े, एक तरह से गुलामी जैसे शब्द हैं कि उनकी नमाज हो तो हम अपनी कथा को रोक दें। इससे मैं बहुत ही मर्माहत हुआ हूं और मैं समझता हूं कि इसकी अनुभूति उन्हें होना चाहिए, और उन्हें न केवल मुझे, जितना भी अध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो चाहे हिंदू ही क्यों ना हो और या हिंदू से इतर भी हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति इस बात से उनसे सहमत नहीं है। इस विचारधारण के लिए उन्हें अपने आप में गलती की अनुभूति करना ही चाहिए। महाराज जी, जैसा उनके फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया पे, ये बहुत वायरल हो रहा वीडियो, तो उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा देवी जी का भाव था और वो सभी धर्मों को एक समान मानती हैं, तो क्या ये उचित है? नहीं, अगर एक समान भी मानती हैं तो फिर ये तो पल्ला में आपने हमारा पल्ला नीचा कर दिया ना, एक समान रहा कहाँ। एक समान तो तब रहता, उनकी अजान होती रहती, हमारी कथा होती रहती, समानता तो ये तब होती। आपने तो हमें ये कहा है कि हम कथा बंद कर दें और हम अपना जो चल रहा है उसको ये मान करके कि अल्लाह हमारे श्री कृष्ण से, हमारे राम से वो बड़े हैं, इसलिए हमें उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। राष्ट्रपति आता है तो प्रधानमंत्री को उठ करके खड़ा होना चाहिए, अगर कोई बड़ा धर्माचारी आता है तो उपस्थित धर्माचारियों को उठ करके खड़ा होना चाहिए, ये तो बात प्रतिध्वनि होती है। तो हाँ, ये है कि वो उनकी नमाज होती है, हम उसका कोई विरोध न करें, यहां तक तो बात ठीक है, वो अजान पढ़े पढ़ते रहें, लेकिन हम कथा बंद कर दें, ये रिस्पेक्ट दें, ये बात किसी भी प्रकार से ना तो शास्त्रोचित है और ना धर्मोचित है, ना राष्ट्र की दृष्टि से उचित है, ना सामाजिक दृष्टि से, मैं इसकी प्रार्थना करता हूँ। एक वीडियो और उनका वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने शराब के फायदे गिनाए और उन्होंने उसमें बोला है कि शराब आत्मविश्वास को बढ़ाती है। कुछ लोगों ने तर्क दिया था कि ये पूरा वीडियो नहीं है, तो जो पूरा वीडियो है उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो अमृत पीते हैं वो देव हैं, जो विष पीते हैं वो महादेव हैं, और जो रोज रोज पीते हैं वो पति देव हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी कुछ कथा में कुछ व्यासों के तरफ बहुत सा हल्कापन डाला जा रहा है, कभी हम शेरोशायरी करते हैं या कभी ऐसी भी हम पता नहीं किसका कि जाम से जाम टकराए, अब ऐसी भी बात मैंने किसी के द्वारा मैंने सुनी थी, तो मैं तो इस संदर्भ में इतना ही कह सकूंगा कि हम कोई शेरो शायरी में नहीं है, हम कोई कवि सम्मेलन में नहीं है, हम किसी अन्य कार्य में नहीं है, हम एक ग्रंथ के अधिकृत वक्ता के रूप में बोल रहे हैं। जब भी हम बैठते हैं तो या तो हम रामायण के व्यास बन के बैठते हैं, या फिर हम भागवत के व्यास होते हैं, या गीता के होते हैं, वेदांत के होते हैं, हमारा जो भी एक कोई ग्रंथ होता है जिसके अंदर में हम अनुशासित होकर के अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, तो क्या वो अनुशासन हमारे ऊपर हम उसका स्वीकार कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो क्या हमारी वो बात उस ग्रंथ के सिद्धांतों की रक्षा करती है या उसके सिद्धांतों को तोड़ती है? तो फिर मैं ये समझता हूं कि इस प्रकार की बातों को मैंने किसी से सुना था कि वो नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, इस प्रकार के संदर्भों की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम विद्युत क्षेत्र में
या शास्त्र के अध्ययन में इतने कमजोर हो गए हो, इतने मजबूर हो गए हो कि हमारे पास में कुछ हो ही ना और चीजों को कहने के लिए, तब हमें बहुत हल्के स्तर पर आना पड़ता है। और ये हल्के स्तर का परिचायक है जिसे एक अच्छे गंभीर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसने ख्याति को अर्जित किया हो इसी सनातन धर्म के बल पर और इन्हीं सनातन धर्मावलंबियों की आस्था के बल पर, तो उन्हें सनातन धर्म और सनातन धर्म के अवलंबियों के मानस का ध्यान रखना चाहिए। और मैं समझता हूं ये मेरी यह कथन समझ में आना चाहिए।